नमस्कार, उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो कि एक महान साहित्यकार थे, जिन्होंने देश में अपनी कलम से सुधार की क्रांति उत्पन्न की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी की, जिनकी आज जयंती है। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को अपने ननिहाल में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम जयनारायण था, जो कि एक अध्यापक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा मुंगावली ग्वालियर में हुई। इन्होंने पढ़ाई के दौरान हिंदी के साथ उर्दू फारसी का भी अध्ययन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, जिस कारण वे 10वीं तक ही पढ़ सके, किंतु उनका स्वतंत्र अध्ययन चलता ही रहा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने पत्रकारिता के गुणों को भली प्रकार समझकर सहेज लिया था। शुरू में गणेश शंकर विद्यार्थी को एक नौकरी भी मिली, लेकिन उनकी अंग्रेज अधिकारियों के साथ पटरी नहीं बैठी और उन्होंने नौकरी छोड़कर कानपुर में करेंसी ऑफिस में नौकरी की। यहां भी अंग्रेज अधिकारियों के साथ नहीं पटी तो वे नौकरी छोड़कर अध्यापक बन गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी की रुचि राजनीति में थी। वे एक वर्ष बाद अभ्यादन नामक अखबार में चले गए और कुछ दिनों तक इन्होंने प्रभा नामक अखबार का भी संपादन किया। सन 1913 अक्टूबर में प्रताप साप्ताहिक के संपादक भी हुए। इन्होंने अपने अखबार में किसानों की आवाज उठाई। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर विद्यार्थी जी के विचार बड़े ही निर्भीक होते थे। विद्यार्थी जी के देसी रियासतों की प्रजा पर किए गए अत्याचारों का भी तीव्र विरोध किया। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के लोकप्रिय नेता तथा पत्रकार, शैलीकार तथा निबंध लेखक भी थे। विद्यार्थी जी ने पहले उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, उसके बाद हिंदी में पत्रकारिता के माध्यम से और आजीवन पत्रकार रहे। उनके अधिकांश निबंध त्याग और बलिदान संबंधी विषयों पर आधारित हैं। वे एक अच्छे वक्ता भी थे। पत्रकारिता के साथ साथ इनके साहित्यिक विषयों में गहन रुचि थी। अपनी रचनाएं सरस्वती, कर्मयोगी, हितवार्ता में छपती रहीं। उन्होंने हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक के रूप में भी काम किया। हिंदी में शेख चिल्ली की कहानियां गणेश शंकर विद्यार्थी की ही देन है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर लौटकर प्रताप अखबार की शुरुआत की। प्रताप भारत की आजादी की लड़ाई का मुखपत्र साबित हुआ। यह अखबार क्रांतिकारी विचारों व भारत की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रेरित विद्यार्थी जी ने भारत की आजादी में अपनी कलम से क्रांति लाने का प्रयास किया। सरदार भगत सिंह को प्रताप से विद्यार्थी जी ने ही जोड़ा था। भगत सिंह ने भी उनके अखबार के लिए कई कॉलम लिखे। 23 जुलाई 1921 से 16 अक्टूबर 1921 तक उन्हें जेल की सजा दी गई। जेल यात्रा करने के बाद भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध कलम की धार को कम नहीं किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी जानते थे कि अंग्रेज सरकार देश में सांप्रदायिकता को फैलाकर आजादी की लड़ाई को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने स्वयं ही दंगों को रोकने का निश्चय किया। दंगों को रोकने और भीड़ को समझाने के लिए वे अकेले ही कानपुर की सड़कों पर निकल पड़े। दंगाइयों की भीड़ ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में लोगों की रक्षा करते हुए 25 मार्च सन 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थी जी सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ गए। नम आंखों से देश ने विद्यार्थी जी को विदाई दी। वे एक ऐसे साहित्यकार और पत्रकार रहे जिन्होंने देश के क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की खूब मदद की। वे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने देश में अपनी कलम से सुधार की क्रांति उत्पन्न की। गणेश शंकर विद्यार्थी को भारतीय पत्रकारिता के महान सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने दुनिया को बताया कि पत्रकारिता जुल्म के खिलाफ किस तरह काम कर सकती है। अपनी निर्भीक पत्रकारिता से उन्होंने अंग्रेज सरकार की नींदें उड़ा दी और तमाम अत्याचारों के बावजूद अपनी कलम की धार कम नहीं होने दी। उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया टीम की ओर से आप सभी को गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।